Assalamualaikum everyone, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सब लोगों को। आई होप आप लोग अपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। मैं अभी सो के उठी हूँ, हमारा जो बुचर है वो आने वाला है कुर्बानी के लिए। मेरा उसके लिए उठना बहुत ज़रूरी था और तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं रात काफ़ी लेट सोई थी, मुझे नींद ही नहीं आई थी। चलते हैं, सबसे पहले चमचम आपको दिखाती हूँ। जब से मेरा चमचम आया है ना, वो इतना शरीफ है माशाल्लाह। मैं ही सोच रही थी कि यार लोगों के बकरे इतनी आवाज़ें निकालते हैं, सारी रात उनको सुनने नहीं देते और मेरा बकरा कोई आवाज़ ही नहीं निकालता, लेकिन रात उसने काफ़ी आवाज़ें निकाली हैं। थोड़ी धूप है, इसका मतलब धूप आ जाएगी वहाँ पे। आई मेरी जान, आप क्यों आवाज़ें निकाल रहे हो बेबी? हाउ आर यू? इसको मारा तो नहीं आप लोगों ने? वो मारता है, मैं मारूँ आपको? क्यों मारा आपने इसको? हमारा कसाई है, वो आ गया है और चमचम चला जाएगा। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। ये रहा मेरा चमचम। वो ऊपर बैठा हुआ खालिद है, उसने बनवाई है। खालिद ही आपने टांगे पकड़नी है? क्यों आप इतना खेलते रहो, पकड़ोगे नहीं अब? इट्स टाइम। हम उसे ईद नहीं मिली आपने? अच्छा, ओए होए, मास्टर हमारे का एक शाम को ये मिलेगी सिंगल खा। आज हजरत इब्राहिम का मैं सुन रहा था किस्सा। आपके शूज़ किधर है फैज़ा? जाओ शूज़ पहन के आओ, जाओ मेरा बेटा शूज़ पहन के आओ। ये देखो हमारे इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं भाई, देखो तो सही, हमारे कपड़े, हमारे ताज, हमारी लिपस्टिक। यहाँ पर टशर ही खत्म। क्या अच्छा, न्यू शूज़ भी पहने हुए हैं, वाह। आपके शूज़ किधर है फैज़ा? ऊपर है, तो आपने क्यों नहीं पहने शूज़? जाओ जल्दी से शूज पहन के आओ, गो जाओ 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 भाग के। नाउ आई एम फीलिंग मच मच बेटर। और जो गोश्त है हमारा वो साइड पे बन रहा है, ये देखें काम चल रहा है। और उसके बाद फिर हम खाना वगैरह शुरू करते हैं, मेरा रोज़ा भी है तो कुछ पकेगा तो खुलेगा। हम लोग खाना बनाने लगे क्योंकि गोश्त हमारा किचन में आ चुका है। मम्मा बनाएंगी कलेजी और मैं बनाऊँगी पुलाव। अल्लाह खैर ही करे, आज पहले पेट पूजा फिर काम पूजा के काम दूजा। ये दासी है। शानदार कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। वेदा अभी भी सो के उठी है, वेदा की नींद पूरी हो गई है, कुछ ज़्यादा जूम इन किया हुआ मैंने कैमरा। वहाँ पे पैकिंग शेकिंग चल रही है, पैकेज बना रहे हैं, पैकेज बनाएंगे, फिर खाना भी हमारा ऑलमोस्ट बनने वाला है, फिर खाना खाते हैं और फिर तैयार होते हैं। शावर मैंने ले लिया है और मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए ऊपर, तो यहाँ पे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सो गाइस आई एम रेडी। मैं कुछ इसी तरह से जा रही थी ईद पे क्योंकि बहुत गर्मी है, आज बहुत सारा काम था एंड आई वॉन्टेड टू कीप इट सिंपल एंड मिनिमल दिस टाइम, तो इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट की है। इसका मैंने ये खुसा पहना है, सलवार कमीज़ है, आई लव इट। मतलब आई डोंट नो कि कैमरा में कैसी आ रही है बट इसकी फील बहुत अच्छी है। साथ मैंने ये कंट्रास्ट में चूड़ियाँ पहनी हैं, कानों में छोटी छोटी झुमकियाँ पहनी हैं,
एंड या दैट्स इट। चावल अभी हमारे दम पे हैं और जो करेजी है वो सुबह ही बन गई थी। और ये देखें जी, हमारी छोटी सी बेटी भी तैयार हो गई है। दिस इज व्हाट शी इज वेयरिंग। ये तो स्कर्ट ही कर दी है। बेटा थोड़ा सा लहंगा नीचे करो अपना। वो कह रही है मैंने मे भी किया है। दिखा मैं कहा किया। वाओ बैंगल्स सो प्रिटी। वाओ चलाए बाहर चले हम। जुबैर भी सो के उठ चुके हैं तो उनसे भी ईद मिलते हैं। ईद मुबारक। ऐसे मिलते हैं जुबैर। ईद आप विशेष कर लिए। कैसे लगे आप? पहले खबर पहले सो क्यों आती हो? क्योंकि मुझे पास भी नहीं रहते। मैं ना सुबह के पास पहले ही कपड़े चेंज दूसरे में पहनते बहुत फैंसी से थे तो वो ना मुझे फंसे हुए थे तो फिर मैंने चेंज कर लिया। अच्छा मुझे था कि रात का सांस ही मेरा बंद हो चुका होता। अच्छा ये नहीं अच्छे लग रहे आपको? ये कैसे लग रहे हैं? ये ईदी वाले नहीं लग रहे यार। क्यों? वो चूड़ियां तो पहनी है मैंने, इयररिंग्स भी पहने हैं, मेकअप भी लगाया। वृद्धा लग रही है। वृद्धा लग रही है ईद वाली। विद द ईद वाइब्स दे रही है। ईद तो मिले। ईद वाले। ईद वाले। अरे रोंदू तो ना बनो यार। ईद वाले। खुशी तो खुशी नहीं। ईद मुबारक। वैसे ऑनेस्टली हम लोग दोबारा नहीं मिल रहे, हम लोग अभी ईद मिल रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम सुबह से इतने बिजी थे कि अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, तैयार होकर हमें कहा हम जरा साफ सुथरेंगे, खुशबू लगा के आएंगे फिर ईद मिलेंगे। मम्मा बहुत प्यारी लग रही हैं। हसीन नौजमील। मामा कैसी लग रही हैं? आपसे तो मैंने ईद सुबह ही मिल ली थी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बाबा ने क्या कहा आपको? खाने का सीन ऑन है। कैसा लगा खाना जो है? मजे का। कैसा लगा मेरे हाथ का पुलाव आप लोगों को? आपको कैसा लगा बाबा मेरे हाथ का पुलाव? कैसा लगा? जबरदस्त। थैंक्स। देखा मैं कितनी अच्छी कुक हूँ। अंडर एस्टिमेट करता है लोग। गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया है और जुबैर गए हैं कुर्बानी करवाने के लिए दूसरी जिस जगह पे उन्हें करवानी थी और वो अब हमारे साथ नहीं है लेकिन हमारे साथ एक और बंदे ने ज्वाइन किया। मैं आपको दिखाती हूँ कौन। ईद नहीं मिली तुमने? ईद दो पहले। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आके पहले ईद मिलो। इतना बदतमीज है ये आया है, ईद नहीं मिला, आके यहाँ बैठ गया। पापा बताएं जरा कौन कब आया, कहाँ से आया है? मैं सोई हुई थी। मैं सारी रात नहीं सोई थी। उसके बाद मैं सुबह हम लोगों ने कुर्बानी खाई थी, मैं इतना थक गई थी, मैं एक घंटे के लिए सोने गई थी। हमें लॉग इसलिए किया था क्योंकि बच्चे आके पापा ज्यादा फूल लेते। अच्छा मैंने तुम्हारे फजूल में तंग करोगे बिना वजह। फिर ईदी दे ईदी इस ईद में कौन सी ईदी होती है? हरी ईदी है। मैं तो देखी हुई थी, तुमने मुझे ईदी दे दी यार। ये बड़ा भाई है, इसको चाहिए थी मुझे ईदी दे। छोटी हो चाहे बड़ी ही चल ईदी ईदी इसका फायदा होता तब भी बड़ा होता है। हाँ जब अब्दुल्ला छोटी चाहिए तब फिर मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये कल इसने जो दिखाया ना, मैं आज के बाद इसके ना मैं इसके घर आ रहा हूँ ना मैं कुछ देखने लगा। क्यों? कहती मैं तुझे ऐसी चीज दिखाऊंगी तू पागल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। ड्राइंग रूम में लेके गई वो एक इतना सा गुलदस्ता ला के सारी चीजें डाले गुलदस्ता रखा। ये लोग इतने बदतमीज हैं। ये लोग कल आए, जुबैर आए, ये आए और मैं ड्राइंग रूम में जो मैंने कॉर्नर नहीं सेट किया जहाँ पे मैंने मिरर रखा हुआ है वो मैंने इनको ले जाके दिखाया और जाके ना कहते तुम हमें ये दिखाने लाई थी। और उसके बाद इतना मुझे उन्होंने बोला और फिर चले गया। मैंने अपनी भतीजी के साथ ट्रेनिंग किया, मैं आपको दिखाती हूँ। हम दोनों के कपड़े सिमिलर हैं। आप क्यों कुछ हो रहे हो? आप क्यों कुछ हो रहे हो? यहाँ मैं ब्लॉग को गई हूँ एंड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक आप सब लोगों को। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी डे 3 पे प्रॉबेबली क्योंकि तब हमारे कुछ इंटरेस्टिंग प्लान है। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।